नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से देश के नंबर वन सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज ताजा हेडलाइंस लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में देश एवं राज्यों की तमाम बड़ी खबरें आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आज की बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश में कोरोना की एक और लहर का बढ़ा खतरा। अगले 10 दिन के भीतर देश में फिर शुरू हो सकती है कोरोना की एक और नई लहर, वैज्ञानिकों ने दी है चेतावनी। तेजी से फैल रहा है ये नया वेरियंट, आप भी हो जाएं सावधान। आपको बता दें देश के कई राज्यों में कोरोना की एक और लहर का खतरा बढ़ गया है। अगले 10 दिन के भीतर देश के इन कई राज्यों में कोरोना की एक और नई लहर आ सकती है। इधर इन राज्यों में भी स्कूलों को भी इतने दिनों के लिए कर दिया गया बंद और रेलवे ने भी इतनी ट्रेनें कर दी हैं कैंसिल। देशवासियों को लगा बड़ा झटका। तो दोस्तों कौन कौन से राज्यों में कोरोना की एक और लहर आने वाली है, साथ ही कहां कहां पर स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, आखिरकार क्या पूरी वजह है, इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। और वहीं इधर अब मात्र 500 रुपए में मिलेगा LPG रसोई गैस सिलेंडर, साथ ही एक साल का बिजली का बिल भी हो जाएगा माफ, बस फटाफट से करें यह काम। साथ ही गरीबों को मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए, ऐसे कराएं आवेदन, जाने पूरी जानकारी। तो दोस्तों इन सभी खबरों की भी आपको पूरी जानकारियां मिलने वाली हैं। इसी के साथ मोदी सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं की जानकारियां भी देने वाले हैं, साथ ही पेट्रोल डीजल सोना चांदी समेत अभी अभी हुए 10 बड़ी मुख्य घोषणाओं की भी जानकारी आपको मिलने वाली है। मोदी सरकार ने देश में अभी अभी टीवी पर सीधे संपूर्ण देशवासियों के सामने लाइव आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर दिए 10 बड़े ऐलान, संपूर्ण देश में इन तीन चीजों को किया बंद। भाइयों और बहनों, कौन कौन से राज्यों में आखिरकार कोरोना महामारी फिर से कहर बरपाने वाली है, कहां कहां पर फिर से यहां पर कोरोना के 10 दिनों के भीतर नई लहर आने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में कहां पर आखिरकार आप भी रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले भाइयों बहनों। तो निवेदन करेंगे आप ही के सभी काम की फायदे की खबरें हैं, इसीलिए निवेदन करेंगे कि वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही में अगली बड़ी खबर, कुल इतने दिनों तक बैंक होने जा रहे बंद, देखें पूरी लिस्ट वरना लटक जाएगा काम। भाइयों और बहनों बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, बैंकों को लेकर एक नई लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें कुल इतने दिनों तक बैंकों में छुट्टी रहने वाली है। तो किन 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 दिनों यहां पर जो है बैंकों में छुट्टी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और वहीं मात्र 10,000 रुपए में मिल रही है दोपहिया बाइक, बजाज पल्सर समेत CD डीलक्स और हीरो की ग्लैमर गाड़ियों को भी खरीदने की लगी होड़। दोस्तों अगर आप भी मात्र 10,000 रुपए में दोपहिया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अब ग्लैमर से लेकर सीडी डीलक्स, पल्सर और बजाज की गाड़ियां मात्र 10,000 रुपए में मिल रही हैं, खरीदने वालों की बम्पर भीड़ लगी है। कैसे इसकी खरीदारी कर सकते हैं, इसके संपूर्ण जानकारी जानेंगे। और वहीं से के साथ सरकार का बड़ा झटका, सरसों का तेल खरीदने वालों को अब भी लगेगा झटका। सरसों का तेल, खाने का तेल जल्द होने जा रहा है महंगा, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। तो कौन सा बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है जिसके चलते सरसों का तेल, खाने का तेल अब महंगा हो सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसी के साथ अगली खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट, राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, इस महीने मिलने जा रहा 150 किलो चावल फ्री, ऐसे उठाएं फायदा। दरअसल अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए फ्री में यहां पर 150 किलो चावल सरकार इस बार राशन में देने वाली है। तो किस प्रकार से इसका फायदा उठा सकते हैं, किन किन लोगों को यह फायदा मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट हो चुकी है जारी, फटाफट से ऐसे करें नाम अपना, चेक, घर मिलना हो चुका है शुरू। दरअसल अगर आप भी घर लेना चाहते हैं, आपका अपना पक्का मकान नहीं बना है, तो अब सरकार ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें आपका भी यदि नाम जुड़ जाता है तो आपको भी पक्का मकान मिल सकता है। किस प्रकार से इस लिस्ट में नाम जुड़वाना है, कैसे आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और वहीं इस दिन देश के इन राज्यों में तेजी से बढ़ जाएगी ठंड, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी, हो जाएं सावधान। साथ ही में व्हाट्सएप ने भी दिया झटका, इतने लाख भारतीयों का बंद होगा व्हाट्सएप अकाउंट, जानिए कहीं आपका भी तो नहीं है नाम, ये है वजह है। अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है, क्यों, आखिरकार किस वजह से व्हाट्सएप कंपनी 10 लाख भारतीयों का व्हाट्सएप अकाउंट बंद करने वाली है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो भाई और बहनों इन सभी खबरों की चलिए जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे लाल बटन को अवश्य दबा लीजिएगा और बेल की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो दरअसल दोस्तों आज की बड़ी अपडेट आ रही है बैंकों को लेकर, दरअसल इतने दिनों तक इस महीने बैंकों में होने जा रही है छुट्टी, फटाफट से निपटा लें अपने जरूरी काम वरना बीच में ही लटक जाएंगे जरूरी काम। दरअसल दोस्तों यहां पर बैंकों की नई लिस्ट जारी हुई है, इस महीने कुल मिलाकर इतने दिन तक बैंकों में छुट्टी रहने वाली है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि नए महीने की शुरुआत हो चुकी है, अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है और नवंबर की शुरुआत भी हो चुकी है, ऐसे में यहां पर बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जो है RBI की ओर से जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कुल मिलाकर इस महीने 9 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों दूसरे, चौथे शनिवार और रविवार को मिला
मिलाकर कुल मिला के बताया जा रहा है कि 30 दिनों के महीने में 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें 1 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर, 13 नवंबर समेत 6, 12, 13 और 20, 26 और 27 नवंबर को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। और वहीं अगली बड़ी खबर, इस वक्त की ताज़ा अपडेट, मात्र 10,000 रुपये में मिल रही है दो पहिया बाइक। बजाज पल्सर समेत सिटी डिलक्स और हीरो की ग्लैमर गाड़ियों को खरीदने की लगी लोगों की होड़। दोस्तों, अगर आप भी मात्र 10,000 रुपये में दो पहिया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बम्पर बड़ी खबर निकल कर आई है। यहाँ पर बिक्री हो रही है, सेल लगी है, जिसमें लोगों की खरीदने की होड़ लग चुकी है, जिसमें मात्र 10,000 रुपये में आपको यहाँ पर दो पहिया गाड़ियाँ मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि दिवाली से पहले टू व्हीलर कंपनियों की दिवाली काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि इस बार दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर दो पहिया बाइक्स खरीदी हैं। इसके चलते अब यहाँ पर जो है इन कंपनियों की ओर से एक बम्पर ऑफर निकाला गया है, जिसमें आप भी हीरो स्प्लेंडर समेत सीडी डीलक्स या फिर बजाज या फिर आपकी प्लेटिना की गाड़ियां भी आप मात्र 10,000 रुपये में खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये दो पहिया गाड़ियां सभी सेकंड हैंड यूज्ड कार बाइक्स हैं, जिन्हें आप मात्र 10,000 रुपये देकर खरीद सकते हैं और किसी भी आप शोरूम में जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। इस समय एक बम्पर सेल लगी है। और वहीं अगली अपडेट, बड़ी खबर निकल कर आई है, सरकार का बड़ा झटका, सरसों का खाने का तेल होने जा रहा महंगा, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। भाई और बहनों, एक बड़ा झटका आपको लगने वाला है, जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से देशवासियों को इस फैसले के तहत सरसों का तेल या फिर खाने का तेल महंगा किया जा सकता है। आपको यहाँ पर बड़ा झटका लगेगा। बताया जा रहा है सरकार के एक फैसले के चलते यहाँ पर देश में सरसों के तेल के दाम बढ़ सकते हैं। जी हाँ, केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेलों से स्टॉक सीमा हटा दी है। इसके चलते अब यहाँ पर बताया जा रहा है 2 नवंबर के बाद जल्द ही देश में यहाँ पर सरसों का तेल, खाने का तेल महंगा हो सकता है। ताज़ा आदेश के अनुसार अब थोक विक्रेताओं के साथ बड़ी रिटेल चेन पर भी तेल की स्टॉक की कोई भी सीमा लागू नहीं होगी। इसके चलते करीब 1.5 साल से खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट लागू थी और सरकार के आदेश से अब तेल के दाम एकाएक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सरकार ने जो है यहाँ पर स्टॉक की सीमा को हटा दिया है। ऐसे में यहाँ पर जल्द ही सरसों का तेल, खाने के तेल के दाम देश में बढ़ सकते हैं, देशवासियों को बड़ा झटका लगेगा। और वहीं अगली अपडेट, बड़ी खबर निकल कर आई है, राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, इस महीने मिलने जा रहा 150 किलो चावल बिल्कुल फ्री, ऐसे उठाएं आप भी फायदा। भाइयों और बहनों, देश में यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट आई है। जल्दी राशन कार्ड धारकों को इस महीने मुफ्त राशन के तहत 150 किलो तक भी राशन मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, बता दीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत संपूर्ण देश में यहाँ पर कुछ ऐसे गरीब किसान हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों से राशन नहीं लिया है। अब ऐसी खबर आई है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को नवम्बर में बड़ी मात्रा में चावल दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार यहाँ पर BPL परिवार सदस्यों के आधार पर 45 से लेकर 135 किलो और प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को 15 से लेकर 150 किलो तक मुफ्त चावल मिल सकता है। यानी अगर आपके पास में अंत्योदय का राशन कार्ड है या फिर BPL का राशन कार्ड है और अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं तो आपको यहां पर प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों के अनुसार 150 किलो चावल तक भी मिल सकता है। इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकल कर आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट हुई जारी, फटाफट से ऐसे नाम करें अपना चेक, घर मिलने हो चुके हैं शुरू। दोस्तों, यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। दरअसल आपको बता दी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की ओर से घर बनवाने के लिए, मकान बनवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। अगर आप भी घर बनवाना चाहते हैं, अगर आप भी यहाँ पर 3 लाख से कम कमाते हैं हर साल, तो अब आपको सरकार की ओर से मदद की जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर सरकार जो है 2.5 लाख रुपए देगी और इसका इस्तेमाल आप घर बनवाने के लिए कर सकते हैं। PM आवास योजना के अंतर्गत आपको आवेदन कर देना है। इसमें आपको पहली किस्त के रुपए में 50,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरी किस्त में 1.5 लाख रुपए और तीसरी किस्त में फिर से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, आवेदन करने के लिए PM आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और आधार कार्ड और साथ में मोबाइल नंबर समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको आवेदन कर देना है। फिलहाल नई लिस्ट जारी कर दी गई है और अगर आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो PM आवास की आधिकारिक वेबसाइट पर आप ये लिस्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, अब सस्ती मिलेगी यूरिया खाद। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार का किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। इस बार केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए खाद को लेकर जो है बताया जा रहा है कि 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। रबी की फसलों की यहाँ पर बुआई से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार फॉस्फोटिक और पोटासिक खाद पर 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। तो अगर आप भी किसान हैं तो आपको भी अब यहाँ पर सरकार के इस फैसले के बाद सस्ते दरों पर खाद खरीदने का मौका मिलने वाला है। वहीं अगला अपडेट आ रहा है, इस दिन से देश के कई राज्यों में
बढ़ जाएगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी, हो जाएं सावधान। भाई और बनो, बड़ा अपडेट सामने आया मौसम विभाग IMD की ओर से। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर साथ ही यहां पर ठंड के बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते यहां पर देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। खासकर बात करें तो तमिलनाडु में बारिश के कहर से स्कूल भी बंद हो चुके हैं। 6 नवंबर से कई राज्यों में ठिठुरन भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर महीने के पहले दिन से ही यहां पर ज्यादातर राज्यों में लगातार ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों को यहां पर अब सर्दी का एहसास होने लगा है। ऐसे में यहां पर दिल्ली के मौसम में भी यहां पर जल्दी मिजाज बदलने वाला है, जल्दी ठंड बढ़ जाएगी। खासकर बात करें तमिलनाडु में तो यहां पर भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और केरल में भी स्कूलों को भी कुछ दिनों के लिए बंद करने का ऐलान हो चुका है।